कॉटेक्स में डिपॉजिट कैसे करें जब से बाइनेंस बैन होने की न्यूज़ आई है। जितने भी कॉटेक्स के यूज़र हैं वो सोच रहे हैं, जो भी बाइनेंस डिपॉजिट करते थे, कि अब हम कैसे डिपॉजिट करें। तो देखो, पहली बात तो ये वीडियो मैं अर्जेंट बना रहा हूँ एंड अभी मेरा सेटअप भी रेडी नहीं हुआ है स्टूडियो, बट फिर भी आपको आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि विदाउट UPI विदाउट बाइनेंस का यूज़ करके हम कैसे कॉटेक्स में डिपॉजिट करें। एंड एक चीज़ मैं आपको बाईबिट सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको कोई ऐसा मेथड सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ जो कि थोड़ा रिस्की हो या फिर थोड़ा ऐसा रिस्की वगैरह हो या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, ठीक है ना। ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ और एक समझाने के तौर पर बना रहा हूँ, आप इस वीडियो में समझना, क्योंकि लाइव नहीं करके दिखा पाऊंगा क्योंकि कुछ रीज़न है, ठीक है। बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप एंड क्या पता क्या बोल रहा हूँ मैं। फर्स्ट चीज़, पहले बाइनेंस को समझते हैं, क्या बाइनेंस बैन हो गया है। तो इसे हाँ भी समझ सकता हूँ, ना भी, क्योंकि बाइनेंस अभी कुछ लोगों के पास चल रहा है और कुछ कुछ के पास शायद, मतलब सबके पास ही चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने बाइनेंस को रिमूव किया है, प्ले स्टोर से हट गया है, तो कहीं ना कहीं रिस्की भी है कि अचानक से कब क्या हो जाए, तो बाइनेंस तो हमें यूज़ नहीं करना है। सेकेंड चीज़, UPI या नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं तो देखो हाँ, बट मत करो, क्योंकि जब आप इंडियन मेथड इस्तेमाल करते हो डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए, तो होता ही है कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास डेली मैसेज आते हैं कि हमारा विड्रॉल लेट हो रहा है, डिपॉजिट लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ये मक्खिया भी, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल इंडियन मेथड से मत करो। इतना आप भी समझो, क्योंकि इंडियन में इंडियन प्रोवाइडर जो रहते हैं ना, वो उसे डिले कर देते हैं, टाइम हो जाता है। तो आप इंडियन मेथड यूज़ मत करो। आपको क्या यूज़ करना है मैं बताता हूँ। इस वीडियो में हम तीन प्रोसेस जानने वाले हैं, तीन प्रोसेस, ठीक है। हम यूज़ करने वाले हैं परफेक्ट मनी, इंडियन मेथड यूज़ नहीं करना है, बाइनेंस भी यूज़ नहीं करना है। इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ उसे यूज़ करना, और इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ उसे ही समझना, ओके। बिल्कुल भी गलती मत करना और अच्छे से समझना, ये चीज़ आपको लाइफ टाइम अच्छे से काम आएगी, और जो चीज़ ज़रूरी है वो बता लो, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाऊँगा मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये क्योंकि अभी तो मुझे बहुत काम था। पहली चीज़, हमें परफेक्ट मनी का इस्तेमाल करना है डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए, परफेक्ट मनी एंड रुपी एक्सचेंजर, ठीक है, ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़, इसमें मिनिमम डिपॉजिट आप 1000 रुपये कर सकते हो, बट आपको 2500 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, 2 से 2500 रुपये, मतलब मिनिमम डिपॉजिट 1000 कर सकते हो, बट परफेक्ट मनी में आपको रुपी एक्सचेंजर से पैसे लेने के लिए 2000 रुपये मिनिमम, मतलब कि परफेक्ट मनी में 2000 रुपये मिनिमम डिपॉजिट होंगे। बाकी परफेक्ट मनी से कॉन्टेक्स में मिनिमम $10 रहने की 800-900 रुपये हो जाते हैं। चीज़ें समझाता हूँ। पहली चीज़, आपको परफेक्ट मनी पर अकाउंट बनाना होगा। परफेक्ट मनी पर अकाउंट कैसे बनाना है, सिंपल सा गूगल पे जाना, परफेक्ट मनी सर्च करना, परफेक्ट मनी आएगा, ऊपर साइड जाना, साइन अप पे क्लिक करना, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही होगी। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपका अकाउंट नेम, कंफर्म नेम वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद, पासवर्ड एंटर करने के बाद, ईमेल एंटर करने के बाद, पासवर्ड, न्यू पासवर्ड बना लेना, सारी चीज़ें कर लेना, एग्री टर्म्स पे क्लिक कर लेना, ठीक है, टर्म्स वगैरह सब सही हो जाएगी। सब ठीक होने के बाद आपको क्या होगा, एक ईमेल, जिसे आप सब रन कर लोगे ना, आपको ईमेल आएगा, ईमेल पे क्लिक करना, आपको ईमेल पे एक मेंबर आईडी आएगी, उस मेंबर आईडी को संभाल कर रखना, कॉपी कर लेना, कहीं पे भी लिख लेना और याद रखना, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है वो। मेंबर आईडी आ गई, मेंबर आईडी लिख लेना। अब आपको जैसे आप करोगे ना, अकाउंट बना लिया अपना परफेक्ट मनी पे, तो आपको सामने आ जाएगा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग परफेक्ट मनी कम्युनिटी वगैरह वगैरह। आपको अगेन ऊपर जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मेंबर आईडी जो आई, मेंबर आईडी डालना, पासवर्ड डालना, पासवर्ड कौन सा जब आपने परफेक्ट मनी पर अकाउंट बनाया था वो पासवर्ड डालना, पासवर्ड इंटर करने के बाद मेमोरी आईडी इंटर करने के बाद कैप्चा फुलफिल करना है ना, टर्निंग नंबर कुछ आएगा, ठीक है, वो इंटर कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। इंटर करने के बाद हो सकता है आपके ईमेल पर कोड आएगा, और कभी कभी नहीं आता है कोड आए तो ईमेल का कोड इंटर कर देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका परफेक्ट मनी का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, अकाउंट बन गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अब इस अकाउंट में आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, दो सेकेंड, इसमें मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है ना, करना आपको है और सिंपल है, इतने समझ आप भी हो कि कैसे क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, बस कर लेना है जाके, क्योंकि रुपी एक्सचेंजर में जो टाइम ही रहता है ना वो मैं बताता हूँ। इसके अलावा आप जैसे जब करो और जब भी कोई डाउट आए सिंपल सा बस मुझे मैसेज कर देना, ओके। देखो, आप अकाउंट बना लोगे, अकाउंट बनाने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिख रहा है। इस तरीके के इंटरफेस में आपको माय अकाउंट्स पे जूम करना है, ये माय अकाउंट्स की डिटेल है, ठीक है, ये माय अकाउंट्स लिखा है, माय अकाउंट्स पे जो पहले का यू वाला दिख रहा है, यू नंबर,
इसको आपको याद रखना है, इसको आपको कॉपी कर लेना है एंड इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पूरा अकाउंट वेरीफाई है। अब ये वाला अकाउंट पूरा बन गया परफेक्ट मनी का, ये सारी चीज़ें हैं, ये फर्स्ट वाला चीज़ रखना, यू करके लिखा है, ये ध्यान में रखना। अब आपका बन चुका है परफेक्ट मनी अकाउंट। दूसरी चीज़ क्या है, आपको रूपी एक्सचेंजर पर भी अकाउंट बनाना है। रूपी एक्सचेंजर क्या है, RUPE रूपी EXCHANGER, ठीक है, सही है ना स्पेलिंग, हाँ ऐसा, एंड .com लिखता है, ये करके सर्च करना, ठीक है। सर्च करोगे, जब आप ये सर्च करोगे, कहाँ गया रुपी एक्सचेंजर, ठीक है, ये वाली दिख रही है, ये रुपी एक्सचेंजर, इसमें तो अपोजिट दिख जाएगा बट फिर भी आप समझ लेना, ये वाली चीज़ें रुपी एक्सचेंजर पे करनी है, सर्च करना। अब जैसे आप सर्च करोगे, आपके सामने साइनअप और लॉगिन का ऑप्शन आएगा, साइनअप पर क्लिक करना है। साइनअप पर जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने साइनअप के लिए अलग अलग डिटेल्स शो होगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, फ़ोन, पैन कार्ड नंबर, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, ये सारी चीज़ें सिंपली एंटर कर देना एंड सिक्योरिटी कोड में जो कैप्चा है वो फुलफिल करके दोनों पर टिक करके साइनअप पर क्लिक करना। साइनअप पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे, आपका ईमेल, आपकी ईमेल पे एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। ईमेल को ओपन करना, उसे कन्फर्म कर देना। जैसे आप कन्फर्म करोगे, आपका रुपी एक्सचेंजर का अकाउंट बन जाएगा, आपका रुपी एक्सचेंजर का अकाउंट बन जाएगा एंड यहाँ पर आपका लिखा जाएगा माय अकाउंट वगैरह वगैरह। आपको माय अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। माय अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेट कर दूंगा। माय अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने लिखा आएगा अकाउंट वेरिफिकेशन। अकाउंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सुनो, आपको चार वेरिफिकेशन करने हैं। पहला है ईमेल वेरिफिकेशन, दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा है एड्रेस वेरिफिकेशन, चौथा है सेल्फी वेरिफिकेशन। ईमेल वेरिफिकेशन हो चुका है क्योंकि ईमेल हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, अपलोड यूर आइडेंटिटी कार्ड, मतलब कि आप आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक की फोटो अपलोड कर देना। दूसरा है एड्रेस वेरीफाई, एड्रेस वेरीफाइड में आपको क्या करना है, आधार कार्ड की बैक की फोटो अपलोड कर देना, सिंपल है, कर दिया। तीसरा है सेल्फी वेरीफिकेशन। सेल्फी वेरीफिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, करना भी जरूरी है, कर लेना। सेल्फी वेरीफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सफ़ेद कलर का पेपर लेना है, जैसे कॉन्टेक्स में सेल्फी वेरीफिकेशन होता है ना वैसे, सफ़ेद कलर का पेपर लेना है कॉपी का, उस पर आधार कार्ड रखना है अपना, ठीक है, आधार कार्ड और पैन कार्ड रख लेना, ठीक है, पैन कार्ड या आधार कार्ड एंड राइटर, ठीक है, पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, ये करोगे दोनों रखोगे तो ऐसे रहेगा। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल पे फोटो बना हुआ है, दिख रहा है एग्जांपल में फोटो, ये आधार कार्ड है, ये पैन कार्ड है। आधार कार्ड पैन कार्ड वाइट पेपर पे लिख के रखना, रुपी एक्सचेंजर लिखना, ठीक है, रुपी एक्सचेंजर लिखना और लिखना आज की डेट, ओपनिंग डेट ऐसा लिखना, ओपनिंग डेट, यहाँ पर सारे लिखी हुई चीज़ें, देखो यहाँ पर सारी लिखी हुई, ये चीज़ को पढ़ लेना, ये चीज़ को पढ़ लेना, प्लीज़ अपलोड अ सेल्फी विद अ पेन आधार कार्ड एंड राइट ऑन प्लेन पेपर, rupeeexchanger.com लिखना, rupeeexchanger.com लिखना, सबसे ऊपर नाम लिखना, डेट लिखना, देन होल्डिंग इन हैंड अस शो बिलो, मतलब कि अपने होल्डिंग में आधार, अपने हाथ से होल्ड करके रखना आधार कार्ड और पेन कार्ड, और 2.5 MB से कम की फोटो रखना और क्लियर खींच के अपलोड कर देना। अपलोड सेल्फी वेरीफिकेशन, चूज फाइल पर अपलोड कर देना। देन अपलोड करने के बाद कुछ ही टाइम वेट करना, जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है ये ऐसा करके है ना, राहुल सिंह करके कुछ लिखा हुआ है, तो ये इस तरीके से कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे आप तीनों वेरिफिकेशन डाल दोगे, आपका सामने इस तरीके से ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा, देखो घड़ी जैसा आइकन बने। तो फिर क्या करना है, आपको वेट करना है, प्रोसेसिंग हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे में आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, आपको क्या करना है, देखो वेरीफाई होने के बाद आपके सामने इसे चार टिक आ जाएंगे, वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद आपको क्या करना है, आपको वापस होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद आपको रुपी एक्सचेंजर के 3 डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है, रुपी एक्सचेंजर के ये 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करोगे, एक्सचेंज का ऑप्शन है, उल्टा दिख रहा है बट फिर भी एक्सचेंज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। एक्सचेंज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेंड पे UPI, रिसीव पे परफेक्ट मनी, मतलब कि सेंड पे UPI आप अमाउंट सेंड कर रहे हो, तो सेंड UPI से सेंड करोगे, रिसीव किस पे करना है, परफेक्ट मनी पे, तो रिसीव करना है परफेक्ट मनी पे, क्योंकि परफेक्ट मनी पे जब USDT आएंगे तभी तो हम कॉन्टेक्ट में डिपॉजिट कर पाएंगे ना, तो अपने परफेक्ट मनी पे ले लिया, सॉरी सेंड पे UPI एंड रिसीव पे परफेक्ट मनी, ये करने के बाद एक्सचेंज पे क्लिक करना है। एंड वर्किंग टाइम का ध्यान देना, दो चीज़ें सुन लो, पहला वर्किंग टाइम मतलब 9 बजे से 10 बजे तक, सुबह की 9 बजे से रात की 10 बजे तक के ही आपको ट्रांजेक्शन करना है, उसके अलावा किसी भी टाइम में मत करना, सुबह 9 बजे से रात की 10 बजे इसी के बीच में ट्रांजेक्शन करना। इसके अलावा अगर टाइम पे करते हो तो दूसरे दिन आपका ट्रांजेक्शन होगा, रात में होने वाला नहीं है, तो सुबह 9 बजे से रात की 10 बजे के बीच में ही करना। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी पेमेंट मत देना, जैसे यहाँ पर UPI सेलेक्ट है, तो आप ऐसा नहीं कि जैसे कि जिसके नाम पर, जैसे तनिष वेरा के नाम के मैंने रुपी एक्सचेंज में डॉक्यूमेंट दिए, सारी चीज़ें तनिष वेरा के नाम से है, और मैं राहुल कुमार के नाम से, अमन
शेयर या किसी और के नाम से यूपीआई से पेमेंट करूँ इनको या फिर यूपीआई से पेमेंट करूँ, तो ये मत करना जिसके नाम का आपने परफेक्ट मनी बनाया है उसी के नाम के यूपीआई से पेमेंट करना, क्योंकि हमें यूपीआई से पेमेंट करना है देखो हमें परफेक्ट मनी में यूजीटी मिलेगा। ये चीज़ है, सेंड में यूपीआई, रिसीव में परफेक्ट मनी जनरेट करके एक्सचेंज पे क्लिक कर देना। एक्सचेंज पे क्लिक करोगे ठीक है, तो एक्सचेंज पे क्लिक करने के बाद हाँ एक चीज़ और, आपको उसमें फीस भी लगेगी, मतलब एक्सचेंज रेट कैसा कि अभी यूएसडी का करंट प्राइस 83 रुपये है, 83 रुपये है तो 83 मतलब कि इसमें आपको कितना 93, 94, 95 इतने रेट में आपको एक यूएसडी मिलेगा, यानी कि 12-13 रुपये एक्स्ट्रा फीस लगेगी एक यूएसडी पे, यानी कि 10 यूएसडी इंटू 12, यानी कि अगर आप 10 यूएसडी डिपॉजिट करते हो तो आपकी $120 यानी $102 एक्स्ट्रा लगेंगे। सोच से 150 रुपये मान लो, इतना नहीं है, तो ये कोई छोटी बात हो गई, बड़ी बात नहीं, ठीक है ना, छोटा सा इतना करना क्योंकि सेफ्टी के लिए ही है, ठीक है ना। और ये चीज़ें हो गई, मिनिमम डिपॉजिट 2000 रहेगा, 2000 करना पड़ेगा आपको। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, देखो जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना वो मैं एक सेफ तरीके से बताना चाह रहा हूँ, मैं चाहता था आपको बायबिट वगैरह दूसरा ब्रोकर बता सकता था, बट मैं ये नहीं चाहता कि फिर अकाउंट फ्रीज की दिक्कत आए, पेमेंट नहीं आ रहा, ये इसमें आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलता है, व्हाट्सअप पर सपोर्ट मिलता है, कॉल सपोर्ट भी मिल जाता है कभी कभी, तो कर सकते हो, इसलिए यही यूज़ करना है और यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं भी अभी यही यूज़ कर रहा हूँ, ओके ना, ठीक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि चाहे वो ट्रेडिंग नॉलेज हो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, चाहे वो ये चीज़ हो, पहले मैं देखता हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस गेन करा है, जो मैंने सीखा है वो बताता हूँ, जो मैंने गलती की है वो बताता हूँ, ठीक है। हम यहाँ तक आ गए हैं, आगे बढ़ते हैं, सेंड पे यूपीआई और रिसीव पे परफेक्ट मनी सेलेक्ट करना है, 2000 है फीस लगेगी, डरो मत, ट्रेडिंग से पैसा कमाना है थोड़ा बहुत तो दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप में हमने सेंड पे यूपीआई एंड रिसीव पे परफेक्ट मनी सेलेक्ट करा, आप कनेक्शन पे क्लिक करना, आप सेकंड स्टेप पे आ जाओगे। सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना है, यूआर डिटेल्स एंटर करना है, पहले पे आपको यूआर फुल नेम आपका पूरा नाम डालना है, सेकंड आपका ईमेल एड्रेस डालना है जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर एंटर हो जाएगा, थर्ड आपको व्हाट्सएप या फोन नंबर एंटर करना है अपना, ठीक है, जो भी वही एंटर करना है जो भी आपने अकाउंट बनाते हुए एंटर करा था, ठीक है ना, व्हाट्सएप नंबर या फोन नंबर मतलब ये वही एंटर करना है। फिर लिखा है यूआर परफेक्ट मनी अकाउंट, ये कौन सा है, ये वही है जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया बताया था आपको कि अकाउंट मतलब कि यू करके जो आईडी थी ना वो यहाँ पर रखना है, यहाँ पर वही डालना है, यूआर परफेक्ट मनी अकाउंट मतलब कौन सी आईडी, ये वाली आईडी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये वाली जो आईडी थी ना, ये वाली यू करके, आप माई अकाउंट्स में देखना, ये वाली जो आईडी है इसको आपको कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर वापस जाके उसको एंटर करना है, ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ से कॉपी कर लेना एंड यहाँ पर आके एंटर कर देना, एंटर करने के बाद आपको आगे पे क्लिक करना है, दो सेकेंड, एंटर करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक करना है, एक्सचेंज पे, देन आप थर्ड स्टेप आ जाओगे। थर्ड स्टेप पे क्या है, आपको यहाँ पर किसी और की यूपीआई शो होगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो फर्स्ट पे आपको लिखा है रिसीव मतलब कि आपके परफेक्ट मनी वॉलेट की आईडी, ये हो गया, एंड शुक्रा करके कुछ एक यूपीआई आईडी मिलेगी, उस पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने पे ध्यान ये देना है कि आपको उसी पर्सन की यूपीआई बैंक से पेमेंट करना है, जैसे मैंने बताया था कि जिसके नाम का वेरिफिकेशन इसमें हुआ है रूबी एक्सचेंजर, जैसे रूबी एक्सचेंजर तनिष नाम से है तो इनको पेमेंट तनिष नाम से रिसीव होना चाहिए, मतलब कि मैं तनिष मेरा फोनपे से ही डिपॉजिट इनको पेमेंट सेंड करूँ या फिर अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम से गूगल पे से इन्हें पेमेंट सेंड करूँ, ऐसा नहीं कि मेरा इसमें अकाउंट बन रहा है तनिष नाम से और मैं किसी और तेजस नाम से अमन नाम से करके पेमेंट इनको यूपीआई पे सेंड करो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो यूपीआई इस पर पेमेंट कॉपी कर लेना, यूपीआई इस पर फोनपे पे जाके पेमेंट सेंड करना, मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड फोनपे में कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी कर रखा था, उसके स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ठीक है, पेमेंट मैंने कर दिया है। पेमेंट करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, पेमेंट जैसे ही कर दो तो फोनपे से कराया मैंने, तो फोनपे का स्क्रीनशॉट ले लेना एंड ट्रांजेक्शन आईडी कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट एंड ट्रांजेक्शन आईडी कॉपी कर लेना, देन यहाँ पर आना आपको यूआर पेमेंट डिटेल में आपको आपका यूटीआर एंटर कर देना है एंड यूटीआर एंटर करने के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर यूआर पेमेंट डिटेल, ठीक है, पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद इंटर यूआर पेमेंट्स डिटेल में मैंने आपको कहा स्क्रीनशॉट और ट्रांजेक्शन आईडी कॉपी कर लेना, तो पेमेंट डिटेल में आपको ट्रांजेक्शन आईडी डालनी है, जो दिख रहा है ट्रांजेक्शन आईडी वो डालनी है, पेमेंट डिटेल में स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे लिखा है यूआर पेमेंट प्रूफ स्क्रीनशॉट, इसे चूज फाइल कर लेना। एंड एक चीज़ का ध्यान रखो, कभी कभी क्या होता है कि थर्ड ऑप्शन पे आता है पेमेंट डिटेल में यूटीआर नंबर डाल दिया, स्क्रीनशॉट डाल दिया, और कभी कभी आता है अपलोड सिग्नेचर, तो अपलोड सिग्नेचर में आपको क्या करना है, जब आपने सेल्फी वेरिफिकेशन किया था उसमें जो सिग्नेचर किया था ना, या फिर क्या करना कि आप एक कॉपी पेन पे अपना नाम लिखना, जैसे कि तनिष नाम का अकाउंट था मेरा रुपये एक्सचेंजर पे, तो मैं कॉपी भी लिखूंगा, तनिष का सिग्नेचर करूंगा, उसका फोटो लूंगा व्हाइट कागज का एंड चूज फाइल में जाके उसको अपलोड करना है, ठीक है ना। कभी कभी ऑप्शन आता है कि चूज फाइल एंड अपलोड सिग्नेचर, तो सिग्नेचर अपलोड कर देना और वही नाम अपलोड करना जो कि आपने वेरिफिकेशन सेल्फी वेरिफिकेशन के टाइम पे अपलोड करा था, ठीक है, तनिष के नेम से सिग्नेचर लिख देना, तनिष के लिख देना,
और वो अपलोड करके कंफर्म पे क्लिक करना। अभी तो यहाँ पर डायरेक्ट कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है, बट कभी कभी कंफर्म का अलग अलग आता है, कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद जब आप करोगे तो लिखाएगा थैंक्स फॉर योर पेमेंट, मतलब पेमेंट डन हो चुका है, अ सक्सेसफुल पेमेंट, एंड हैशटैग लिखाएगा थैंक यू फॉर पेमेंट, ऐसा आएगा। ये करने के बाद अगर आप सेटिंग में जाओगे, वहाँ पे चेक करोगे ना एक्सचेंज में, तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे कि कंप्लीट हो गया, स्टेटस क्या शो कर रहा है। ये कंप्लीट हो गया तो आपको थोड़ा सा टाइम वेट करना है, थोड़ा सा टाइम वेट करोगे तो आपके परफेक्ट मनी में आपको यूएसडीटी मिल जाएंगे। ओके, एंड इसमें मैंने रेट बताया था आपको 10 से 12 रुपये आपको पर यूएसडीटी एक्स्ट्रा लगेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मिनिमम 1,500 होता है, कभी 2,000 होता है, कभी कभी 1,000 भी हो जाता है, अप डाउन होता रहता है, बट 2,000 मान के चलो, आपको इतना तो करना पड़ेगा एंड इतना करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये करना, कुछ देर में आपके परफेक्ट मनी में आपको रिसीव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो जो UID थी ना, उसके आगे आपको दिखेगा कि जैसे यहाँ पर लिख रहा है, मुझे दिख रहा है $50 समथिंग है, रिसीव हो गया है। ये हो गया, अभी तक हमने क्या कर लिया है, परफेक्ट मनी में अकाउंट बनाया, वेरीफाई किया, ये करा, रूबी एक्सचेंज में बनाया, वेरीफाई करा। अब परफेक्ट मनी UPI एक्सचेंज, हमने UPI के थ्रू परफेक्ट मनी में USDT भी डाल दी है। अब आती है लास्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस, कॉर्टेक्स से कैसे ले। कॉर्टेक्स से लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉर्टेक्स ओपन करते हैं हम। कॉर्टेक्स ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मैंने कॉर्टेक्स का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर डिपॉजिट पे हमें क्लिक करना है, ठीक है, डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना है, परफेक्ट मनी का ऑप्शन शो हो रहा है, परफेक्ट मनी पे क्लिक करना है। परफेक्ट मनी पे आपको जो मिनिमम डिपॉजिट विड्रॉल है, मतलब मिनिमम अमाउंट $10 कर सकते हो, 10 सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला था, आपको परफेक्ट मनी और रुपये एक्सचेंज में मिनिमम 2,000 का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, बट परफेक्ट मनी से कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट का विड्रॉल डिपॉजिट $10 में हो जाएगा, ठीक है। तो $10 सेलेक्ट करना है एंड डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा परफेक्ट मनी अकाउंट, टिक है ना, इसी पर टिक है, तो इसी पर टिक रहने देना। टिक रहने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू पेमेंट पे क्लिक करना है, मतलब कंफर्म पेमेंट पे। अब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आया है। इस तरीके के इंटरफेस में आपको क्या करना है, यहाँ पर मीमो जो लिखा ना उसको एम्प्टी छोड़ देना, खाली छोड़ देना, कुछ भी नहीं डालना। मेंबर आईडी में आपको वही मेंबर आईडी डालनी है अपनी परफेक्ट मनी की, जो अकाउंट बनाने समय आपको रिसीव हुई थी ईमेल पे, एंड पासवर्ड डाल के कैप्चा जो लिखा है टर्निंग नंबर, इसको इंपोर्ट करके मैं टाइप करके इनपुट करके प्रीव्यू पेमेंट पे क्लिक करना। जैसे प्रीव्यू पेमेंट पे क्लिक करोगे, आपको आपके कॉन्टेक्स अकाउंट से, मतलब कि जो भी अभी तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि मेंबर आईडी डालनी है, कोई नहीं, आपको मेंबर आईडी डालनी है। मेंबर आईडी डालने के बाद आपके सामने आपका परफेक्ट मनी का अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा आपका परफेक्ट मनी इतना अमाउंट है, क्या डिडक्ट करना चाहते हो, आप करना कन्फर्म पेमेंट, कन्फर्म पेमेंट करोगे तो आपका पेमेंट डन हो जाएगा। डन होने के बाद आपके परफेक्ट मनी से आप जैसे डन करोगे ना, कन्फर्म पेमेंट करने के बाद आपको किसी की क्लिक करना है, कन्फर्म पेमेंट करोगे तो आपके रिफ्रेश होगा पेज, देन आप कॉन्टेक्स में आ जाओगे, सक्सेसफुल हो जाएगा पेमेंट, आपका परफेक्ट मनी से USDT कॉन्टेक्स में आ गया। ये बिल्कुल सिंपल मेथड हो गया डिपॉजिट पे। अब विड्रॉल कैसे करना है चलो बता देता हूँ। विड्रॉल करने का प्रोसेस भी सिंपल सा है। विड्रॉल करने के लिए विड्रॉल पे आना है। विड्रॉल पे आने के बाद आपको परफेक्ट मनी सेलेक्ट करना है। देखो परफेक्ट मनी का ऑप्शन आ गया। मिनिमम जो क्या बोलते हैं विड्रॉल भी यहाँ पर $10 हो जाएगा। $10 पर्स पे एंटर करना है। पर्स में यू लिखा है, यू मतलब ऑलरेडी वो यू वाली आईडी, USD यू क्या आगे जो नंबर आता है ना 43 ऐसा वाला, वो नंबर चेक कर लेना USDT वाला, और यहाँ पे करके कन्फर्म क्लिक करना। जैसे कन्फर्म करोगे आपका विड्रॉल लग जाएगा और आपका विड्रॉल भी आ जाएगा। ओके ठीक है, समझ गए। मैं लाइव विड्रॉल भी कर देता हूँ यहाँ पे, परफेक्ट मनी है तो वेटिंग कन्फर्मेशन में लाइव विड्रॉल करके दिखा देता हूँ। $2,000 विड्रॉल भी कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ, मेरे परफेक्ट मनी की UID लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने यू पर जो है 43 जो मेरी UID थी वो एंटर कर दी परफेक्ट मनी, और $2,000 का मैं विड्रॉल यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। ये मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन का कोड आया ईमेल पे, ईमेल चेक कर लेता हूँ कोड आया है, ये कोड आया, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट और कन्फर्म। ये कन्फर्म करा, यू आर रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली। देखो यहाँ पर रेड डीएम अकाउंट क्यों दिख रहा है, ये देखो डीएम अकाउंट बोल गया, लाइव अकाउंट आपके सामने बोल दिया, ठीक है। ये हो जा हो जा हो जा, हाँ तू पहले कर ले। हाँ ये लाइव अकाउंट में $10,000 बचे हैं। और ट्रांजेक्शन में देखो यहाँ पर डिपॉजिट वाला तो प्रोसेसिंग में डिपॉजिट हमें करा नहीं था, ठीक है। वोटा ये देखो मैंने $2,000 अभी विड्रॉल करा है, वेटिंग कन्फर्मेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैं कैंसिल कर दूंगा तो वापस आ जाएगा। अबे यार ये नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क के कारण ही देखो ये $10,000 नेटवर्क भारी, पता नहीं क्या चल रहा है इसको, क्या चुल मची हुई है, ठीक है। ये देखो लाइव हट रहा है, जा रहा है, ठीक है। मैंने $2,000 आपके सामने विड्रॉल डाल लिया परफेक्ट मनी में, और देखते हैं कब तक आते हैं, 20 to 24 आवर्स में आ जाएंगे। ये मुझे नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है। ये देखो लाइव अकाउंट $10,000 वीडियो अकाउंट है, बट इधर इसको लगी पता नहीं क्या चल चढ़ रही है। ये आज का मेरा प्रॉफिट है तनिष्क के लीडरबोर्ड पे $1,715 का,
और यही सेम सिग्नल्स मैंने अपने VIP ग्रुप में प्रोवाइड करे थे। कल तो मैं लीडर बोर्ड में भी था 16-17 नंबर पे। ये देखो लाइव अकाउंट वहाँ 10,000 हो गया। ठीक है, यकीन ना हो तो अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ। अरे यार तो देखो यहाँ पे गया, रिलोड पे क्लिक करा, रिलोड पे मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो ठीक है, ये लाइव अकाउंट है। अब देखो यहाँ पर विड्रोल डाल दिया है, विड्रोल पता नहीं कितनी देर में आएगा, बट अब बता देता हूँ विड्रोल करने के बाद अब हमें वापस परफेक्ट मनी से बैंक में कैसे लेना है। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है इसका। सिंपल मेथड क्या है, सिंपल मेथड इतना है कि अभी हमने क्या करा था, उल्टा परफेक्ट मनी से रुपये एक्सचेंज UPI के थ्रू परफेक्ट मनी मिले था। अब हमें उल्टा करना है, रुपये एक्सचेंज ओपन करने के बाद हमें उल्टा क्या करना है, हमें उल्टा ये करना है कि हमें सेंड में परफेक्ट मनी, रिसीव में UPI करना है। बता देता हूँ यहाँ पर, अब वापस आपको वहाँ पर आना है, एक्सचेंज पे आना है। एक्सचेंज पे आने के बाद सिंपल से एंटर कर देना सेंड पे परफेक्ट मनी, रिसीव पे UPI। सेकंड स्टेप आएगी, सेकंड स्टेप में डिटेल में नाम, ईमेल एड्रेस एंटर करना जो ऑटोमेटिक हो जाएगा, व्हाट्सअप नंबर एंटर करना एंड UPI। पहले हम UR अकाउंट नंबर एंटर कर रहे थे, कौन सा, परफेक्ट मनी का, क्योंकि हमें उसमें पैसा चाहिए था। अब हमें UPI में पैसा चाहिए तो अपनी UPI डालना, UPI कौन सी, वो ही डालना आपके नाम की, ठीक है, दूसरे की मत डालना। UPI एंटर करना, आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन करके नेक्स्ट स्टेप करना। फिर आपको क्या होगा, आपको एक UPI ID एंड बाइनेंस के, एक UPI ID ऊपर दिखेगी एंड नीचे दिखेगी यू वाली आईडी। देखो ये वाली आईडी, ये वाली आईडी ऊपर डालोगे वो दिखेगी, ठीक है। ऊपर आपको आपकी UPI दिखेगी, नीचे आपको अब किसी और को देना है पेमेंट। तो जो U1 करके जो आईडी दिखेगी ना, इसको कॉपी करना है, परफेक्ट मनी ओपन करना है। परफेक्ट मनी ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सेंड पे जाना है। मैं परफेक्ट मनी ओपन कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर देखो मैंने अपना परफेक्ट मनी लॉगिन कर लिया। यहाँ पर आपको जो UPI ID दिख रही है, ये वो तो जो भी दिख रहे थे ना UPI ID, वो किसी और की थी। यहाँ पर आप, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको वो UPI ID कॉपी करना है। वहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो UPI क्लिक करा मैंने, सेंड मनी का ऑप्शन आ रहा है, सेंड मनी पे क्लिक करना। सेंड मनी पे जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पर जो आपको यू कलर की आईडी दिख रही थी, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वो यहाँ पर एंटर करना है। पहले अमाउंट एंटर करना, अमाउंट जैसे कि आपका $10 है, मान लेते हैं $10, ठीक है, $10 टू अकाउंट, किस पे, जो वाली है उसको यहाँ पे पेस्ट करना एंड डिस्क्रिप्शन में लिखना हो तो लिखना, नंबर पे लिखना एंड एड प्रोटेक्शन कोड वगैरह कर सकते हो, वरना पेमेंट प्रीव्यू पे क्लिक करना। पेमेंट प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कंफर्म का ऑप्शन आएगा, कितना इतना बैलेंस आप करना चाहते हो आप येस करना, और आपका मतलब इधर से पेमेंट कट हो जाएगा। देन आपके मतलब कि पेमेंट कट हो जाएगा, आपके सामने ट्रांजेक्शन आईडी आएगी एंड स्क्रीनशॉट ले लेना उसका भी, जैसे कि फोन पे मिला था, एंड वो डन करने के बाद रुपये एक्सचेंजर में जाना। रुपये एक्सचेंज में जाने के बाद वही चीज़ है, आप वापस से अगेन पोस्ट कर देना का, ठीक है मैंने पेमेंट कर दिया है, ये देखो पेमेंट हो गया है। तो क्या होगा, पेमेंट कर दिया है एंड स्क्रीनशॉट अपलोड करके यहाँ पर जैसे पेमेंट डिटेल और स्क्रीनशॉट अपलोड करके कंफर्म पे क्लिक कर देना, सिग्नेचर मांगे कर देना क्लिक, वेट करना थोड़ी देर में प्रोसेस हो जाएगा। देन आपके परफेक्ट मनी से पैसे UHD कट जाएंगे एंड आपने जो UPI एंटर करी थी उसमें आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगा। ये था सिंपल सा प्रोसेस, ये था बिल्कुल इजी मेथड का है, सेफ मेथड का है। बाइनेंस नहीं है, UPI नेट बैंकिंग नहीं है, क्योंकि UPI नेट बैंकिंग में बहुत टाइम लगता है डिपॉजिट विड्रॉल में, एंड यहाँ से आप सिंपल वे में कर सकते हो। यहाँ पर कभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है रुपये एक्सचेंजर में तो डायरेक्ट इनसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप का ऑप्शन आपको पता है, वहाँ पर अवेलेबल है। अकाउंट बना लेना, वेरीफाई कर लेना एंड थोड़ा सा चार्जेस लगता है देना, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है बट करना, बट प्लीज़ UPI नेट बैंकिंग मत यूज़ करो मेरे सजेशन के हिसाब से। ना बाइनेंस यूज़ करो, ना बायबिट यूज़ करो, ना कोई और वॉलेट यूज़ करो, क्योंकि अभी जो कंडीशन है उस हिसाब से मैं आपको ये कहूँगा कि 1-2 हज़ार रुपये आपका अमाउंट फंसे उस हिसाब से 200-400 रुपये मत देखो। ट्रेडिंग करना आए हो तो प्रॉपर तरीके से करो, लर्निंग करके करो, लर्निंग अर्निंग करने के लिए भी प्रॉपर तरीका अपनाओ, ठीक है ना। मैं ये मेथड यूज़ करता हूँ अभी फाइनेंस और बहुत सारे यूज़ करता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट वगैरह, बट ये सिंपल मेथड जो मुझे लगा और मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ दिनों से, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन आता है आपके मन में, कुछ डाउट है तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सिंपल सा आना टेलीग्राम पर, मुझसे बोलना कि भैया ये दिक्कत है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूँगा, हेल्प भी करूँगा कुछ अगर दिक्कत होती है तो। ये विड्रोल जो भी मैंने डाला, ये अगर आ जाता है तो उसका पेमेंट प्रूफ भी मैं आपको डाल दूंगा। ये देखो ये मुझे रिसीव हो गया है, ईमेल आया होगा, पेमेंट देख लेता हूँ, क्या पेमेंट डालूंगा, विड्रॉल डालूंगा, अभी तक तो डन नहीं हुआ, कोई नहीं हो जाएगा तो मैं डालूंगा, टेलीग्राम पर वगैरह डाल दूंगा, चेक कर लेना, कुछ भी डाउट हो मुझे मैसेज करना। और ये सिंपल सा मेथड था एंड ईजी मेथड है, बस यूज़ करो, तो ये करो, अच्छे से करो, समझ के करो एंड ट्रेडिंग भी समझ के करो। एंड हाँ, पहली बार चैनल पर नए हो और बाइनरी ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक पर एडवांस सीखना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट दिख रही है, इस पर क्लिक करके बाइनरी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, सीखना क्लास 1 से 1 देखना। एंड सॉरी अगर मेरे से
बेकार लगा हो थोड़ा, बट मैंने आपके एफर्ट देखे, अभी रात का टाइम पे वीडियो शूट की है, कोई माइक नहीं है, थोड़ा सा ऐसा माहौल था, बट फिर भी आपको मैंने प्रोवाइड करी क्योंकि जो सिचुएशन चल रही थी ना उस सिचुएशन में मुझे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, पसंद आई है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ भी डाउट है कमेंट करना, टेलीग्राम पर बोलना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि थर्ड पार्टी पेमेंट यूज़ मत करना, मिनिमम 2 से 3 हज़ार रुपये लगेगा और अच्छे से करना, और ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना और परफेक्ट मनी टू रुपये एक्सचेंजर, आपको और वीडियो मिल जाएगी। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर सर्च करना कि परफेक्ट मनी या फिर परफेक्ट मनी में यूजली कैसे रेट दें, तो आपको और एक्सचेंजर मिल सकते हैं। ये एक्सचेंजर इसलिए मैंने यूज़ किया क्योंकि ये वेरीफाइड है, सपोर्ट अच्छा है इसका, वेरीफिकेशन अच्छा है, इसलिए मैंने रुपये एक्सचेंज बताया। बहुत सारे एक्सचेंजर है, आप जब सर्च करोगे यूट्यूब पर आपको मिलेगी। तो एक बार चाहो तो सर्च करना कि परफेक्ट मनी में यूजीटी कैसे लें, यूजीटी कैसे निकालें, आपको बहुत सारी मिलेगी वीडियो, तो एक बार चाहो तो देखना। बट मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको देखने की जरूरत है, इसे ही यूज़ करो, मैं यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा है, यूज़ करना। एंड कुछ भी डाउट हो मुझे मैसेज करके बता देना। बाकी का मैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। डेट्स पहली बार चैनल पर आए थे तो ये प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, कुछ भी डाउट है। बाकी का मैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। डेट्स सीखते रहो, लर्निंग करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सॉरी अगर कुछ बुरा गलत लगा होता है ना।